वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शिव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को भी देखा होगा। प्लीज उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है सोया चांप और आज मैं आपको बताऊंगी कि सोया चांप कोरमा कैसे बनता है। मैंने सोया चांप को पहले ही गर्म पानी से निकाल कर इसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस करके रख दिए है और मैंने दही भी है, इसको भी मैंने जो है दो कटोरी मैंने रखा है। अब मैं क्या करूंगी, जो सोया चांप है उसको मैं मैरिनेट करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैरिनेट करना है। आपको बताऊंगी कि मैरिनेट करने के लिए कौन कौन से मसाले चलेंगे। ये है नमक, ये है काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैरिनेट कैसे करना है। ये सोया चांप को मैंने दही में डाल दिया। अब मैंने चांपों को दही में डाला है, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, अच्छे से इसको मिला लेना है। अब मैं इसमें जो है नमक डालूंगी, जो कि स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। एक चम्मच मिर्च डालेंगे, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और ये काली मिर्च आधा चम्मच और इसमें मैं जो है एक चम्मच सरसों का तेल मिला लूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी और इसको मिलाने के बाद कम से कम आपको इसको आधा घंटा जो है रखना पड़ेगा। और ये देखिए, इसको ऐसे मिला के मैंने इसको जो है आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक मैं आपको बताऊंगी कि नान कैसे बनते हैं। लेती हूँ क्योंकि आज हम आटे के नान बनाएंगे, उसके लिए ये मैंने दही लिया है, इसी में ही मैं सब चीजें डाल के आपको बताऊंगी कि किस किस चीज की जरूरत है। ये है बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, ये बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार और ये पीसी हुई चीनी है, ये ऑप्शनल है, मैंने ये आधा चम्मच डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए मैंने मिला दिया। अब ये मैंने आटा जो है ये मैंने 5 कप जो है मैंने लिया था इसका मेजर करके और ये जो है आधा कप ये सूजी है, मैं इसको इसमें मिला लूंगी। अब ये जो मैंने दही मिलाया था, अब मैं दही जो है इसमें डालूंगी, इसको डाल के अब मैं इसको पहले अच्छे से मिलाऊंगी। पहले मैं दही को अच्छे से मिला लूंगी क्योंकि दही में मॉइस्चर होता है जो कि पानी छोड़ सकता है, तो पहले मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें तेल
आ जाता तब तक हमने इसको अच्छे से